नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको योगा प्रोटोकॉल COVID-19 के बाद की हीलिंग के लिए, या फिर आप अभी COVID-19 में हैं, आप अभी कोरोना की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव है, तो आप ये पूरा सीक्वेंस 15 मिनट का जो आयुष मिनिस्ट्री से के थ्रू आया हुआ है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले 1 मिनट हम शवासन से शुरू करेंगे। आप अपनी कमर को सीधा रखते हुए लेट जाएंगे। ध्यान रखें आपको कोई तकिया या कुछ सर के नीचे नहीं लगाना है, सीधा फ्लैट लेटना है। आप ज़मीन पे लेट सकते हैं तो ज़मीन पे लेटिए, नहीं तो आप बेड पे भी लेट सकते हैं। अब अपनी 10 से 15 सांसों को आपको गिनना है, स्लो ब्रीदिंग को। आपको कोई भी प्रयास नहीं करने हैं अपनी ब्रीदिंग पे, नेचुरल नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग को, अपनी सांसों को काउंट करना है और 1 मिनट तक रिलैक्स करना है। फील करेंगे रिलैक्सेशन को, पूरी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो रही है। अभी हम धीरे धीरे वापस आएंगे और एक पैर को बेंड करके साइड से अपने हाथ को ऊपर उठा के धीरे से हम उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे। कमर को सीधा रख के चेस्ट को थोड़ा ऊंचा रखेंगे, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे की तरफ, हाथ खुले हुए ऊपर की तरफ। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को पेट के ऊपर रख लेंगे और हम अब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। पहली एब्डोमिनल ब्रीदिंग हमको 10 बार करना है, 10 राउंड्स करने हैं। उसके लिए हम लंबा गहरा सांस भरेंगे अपने पेट के अंदर एंड धीरे धीरे छोड़ेंगे, बहुत ही धीरे धीरे। आप मन में काउंट भी कर सकते हैं 8 से 10, और सेकंड्स के हिसाब से आप 4 से 5 सेकंड भरेंगे धीरे धीरे और डबल आप 8 से 10 सेकंड छोड़ेंगे। पर अगर आपको शॉर्ट ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है अभी कोविड की सिचुएशन में, तो आप धीरे धीरे करिए। आप अगर 2 बार भरते हैं तो 4 बार छोड़िए, मतलब अगर 2 काउंट में भरते हैं तो 4 काउंट में अपनी सांस को छोड़ना है। धीरे धीरे आप फील करेंगे कि आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, आपकी सांस की लंबाई बढ़ती जा रही है। अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जो ब्रीदिंग मैं इसमें बता रही हूँ उसको दिन में 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी ब्रीदिंग हम कर रहे हैं उसके 10-10 राउंड करने हैं। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग के आप 10 राउंड कर रहे हैं, लंबा भर रहे हैं और डबल छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। पूरे ध्यान के साथ करना है, अपने माइंड को पूरा फोकस रखना है। करते जाएंगे धीरे धीरे, आप फील करेंगे कि आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांस की गहराई बढ़ती जा रही है, लंबाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप इस समय डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हैं। हाथों से आपको फील हो रहा है कि आपके पेट के अंदर धीरे धीरे सांस जा रही है, और धीरे धीरे आप जब छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जा रहा है, जो आप अपने हाथों से फील कर रहे हैं। अब हम रिलीज करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर हम दूसरी ब्रीदिंग की तैयारी करेंगे। इसी पोजीशन में बैठने की यही पोजीशन रखनी है। हम दूसरी ब्रीदिंग थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे, जिसके लिए दोनों हथेलियों को चेस्ट पर रखेंगे और लंबा गहरा सांस भरेंगे सेम तरीके से जैसे हमने पहले किया था। 4 सेकंड तक भरना है, 8 सेकंड तक छोड़ना है, बहुत ही धीरे धीरे भरना है और डबल छोड़ना है। अगर आप इतना लंबा नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 सेकंड भरें और 4 सेकंड छोड़िए। आप जैसे जैसे करते जाएंगे लंबाई अपने आप ही बढ़ती जाएगी सांस की। अगर आप इस तरीके से 10 राउंड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होने लगी है।
चाहे आपका कोविड हो चुका है या आप कोविड सिचुएशन में हैं अभी, पर आपकी हीलिंग बहुत बहुत जल्दी होने लगेगी और ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से पूरी बॉडी में हर तरफ हो जाएगी। पूरे ध्यान के साथ करेंगे, लंबा गहरा भरेंगे और उससे डबल धीरे धीरे छोड़ेंगे। उससे दो गुना आपको छोड़ना है, एक गुना भरना है, दो गुना छोड़ना है, बहुत ही धीरे धीरे पूरे ध्यान के साथ। रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे 10 राउंड करने के बाद। अब इसके बाद तीसरी ब्रीदिंग करेंगे हम, शोल्डर्स पे, कंधों पे दोनों हाथों को रख के लंबा गहरा सांस भरेंगे। इस ब्रीदिंग को हम क्लेविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे तो चेस्ट ऊपर आएगा, शोल्डर्स पीछे जाएंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे सेम तरीके से। अगर आपको लगता है कि आप लंबा नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप भ्रामरी को ऐड कर सकते हैं अपनी सांस में। मैं एक बार करके बताती हूँ। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आप अपने लिप्स को बंद करके भ्रामरी भंवरे की तरह गुंजन करेंगे तो आपके सांस की लंबाई बढ़ जाएगी। पर ये आपको ओनली सांस छोड़ते समय करना है। मुंह बंद होगा, इसमें नाक से सांस बाहर निकलेगी। लंबा गहरा भरेंगे आप सेम 4 काउंट में, 4 सेकंड्स में, 8 में छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे, इसके भी 10 राउंड हमने कर लिए हैं। तो 3 ब्रीदिंग हमने की, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग और क्लेविकुलर ब्रीदिंग, जिसमें हमने कंधे पर हाथ रखा। थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद हम दूसरी ब्रीदिंग की तैयारी करेंगे, जो हम डीप ब्रीदिंग करेंगे लेट कर। उसके लिए आप लेट जाएंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे आराम से, बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे, दोनों हथेलियों को पेट के ऊपर रखेंगे और लंबा गहरा सांस भरेंगे धीरे धीरे। फोर्स के साथ नहीं भरना है, लंबा गहरा सांस भरेंगे और फिर वही भ्रामरी से छोड़ेंगे लंबा, या फिर नॉर्मल कंट्रोल के साथ धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे हाथों से आपको फील करना है, दबाना नहीं है, कि कैसे आपकी ब्रीदिंग धीरे धीरे बाहर आ रही है, लंबी गहरी पूरी तरह बाहर छोड़ रहे हैं। यहाँ भी आपको वही नियम लागू करना है, 4 बार भरने का, 8 बार छोड़ने का। इसमें आप काउंट कर सकते हैं या सेकंड्स भी काउंट कर सकते हैं कि आपने 4 सेकंड भरा, 8 सेकंड छोड़ा। ऐसे करते करते आपको इसके भी 10 राउंड करने हैं। अगर आप इनिशियली इतना लंबा ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं शॉर्ट ब्रीदिंग की वजह से, तो आप धीरे धीरे करिए, पर ध्यान रखें कि एक गुना भरना है तो 2 गुना छोड़ना है। और छोड़ने के लिए आप भ्रामरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी सांस की लंबाई, छोड़ने की लंबाई बढ़ जाती है। बहुत ही शांत दिमाग से करना है, कोई भी हलचल नहीं, एकदम शांत मन, शांत शरीर, स्थिरता के साथ करना है, तभी फायदे आपको नज़र आएंगे और आपकी हीलिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी। चाहे आप कोविड में अभी हैं या कोविड से निकल चुके हैं, दोनों ही सिचुएशन में आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। हमेशा सांस को बहुत ही धीरे धीरे भरना है, बहुत ही धीरे धीरे, कंट्रोल के साथ धीरे धीरे ही छोड़ना है, बहुत ही धीरे धीरे छोड़ना है। अब हम 10 राउंड के बाद पैरों को सीधा कर लेंगे और 5 मिनट शवासन की तैयारी करेंगे। पैरों को दूर दूर रखेंगे, हथेलियाँ ऊपर की तरफ,
फेस को नॉर्मल रखेंगे, फेस पे हल्का सा स्माइल रखेंगे, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ देंगे, सर जो टच हो रहा है ज़मीन पर उसको ढीला रखेंगे, पूरी बॉडी की स्कैनिंग करेंगे, पैर की उंगलियों से लेके सर तक, पैर की उंगलियों को ढीला छोड़ेंगे, एड़ियों को ढीला छोड़ेंगे, अपनी काफ मसल्स को, घुटनों को, जांग को, पेट की मांसपेशियों को, चेस्ट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, हार्ट बीट को अपनी फील करेंगे, कंधों को ढीला छोड़ेंगे, अब हम धीरे धीरे पूरा रिलैक्स होने के बाद अपनी सांस पर ध्यान लगाएंगे। वही हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग पर ध्यान लगाएंगे यहाँ भी, कैसे हमारा पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है जब हम सांस भर रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो पेट नीचे की तरफ जा रहा है। ये मूवमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है, पूरे ध्यान के साथ, और 15 सांस की गिनती करनी है। हर सांस के साथ पेट ऊपर जा रहा है, छोड़ने के साथ नीचे आ रहा है। इसको हम एक काउंट करेंगे, ऐसे हमको 15 सांस काउंट करनी है, पूरे ध्यान के साथ। कोई भी प्रयास नहीं करने हैं, सिर्फ नॉर्मली साधारण तरीके से जो आपकी ब्रीदिंग प्राकृतिक तरीके से चल रही है उसको ही ध्यान लगा, उस पर ही ध्यान लगाना है, और 15 सांसें काउंट करनी है। पंद्रह सांसें गिनती करने के बाद आप महसूस करेंगे आपका माइंड भी पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है और बॉडी भी पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी है। माइंड को ऑब्जर्व करेंगे, माइंड में बिल्कुल थॉट नहीं है या अभी भी थॉट्स चल रहे हैं, अभी भी सोच विचार चल रहे हैं। माइंड में जो भी हलचल है उसको देखेंगे, तो आप जब उस पर ध्यान लगाएंगे तो महसूस करेंगे माइंड अपने आप रिलैक्स होने लगा है, स्लो होने लगा है, और कोई भी हलचल अब नहीं हो रही है। अब जब आपका माइंड रिलैक्स है तो आप अपने शरीर को देखेंगे फिर से कि अंदर में एक ऊर्जा का प्रवाह होने लगा है, एक प्राणिक एनर्जी, या जिसे हम आध्यात्मिक एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी बोलते हैं, वो अंदर ही अंदर फैलने लगी है, और उससे आपकी शरीर की पूरी हीलिंग हो रही है। जैसे कि एक लाइट अंधेरे में जब फैलती है तो अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार लाइट अंदर में फैल रही है और हीलिंग हो रही है, और सारा अंधेरा जो अंदर में था वो बाहर निकल रहा है। हर सांस के साथ जो आप बाहर छोड़ रहे हैं, उस अंधेरे में आपके सारे वायरस बैक्टीरियाज बाहर निकल रहे हैं, कोरोना वायरस भी बाहर जा चुका है, ऑलरेडी आप बाहर फेंक चुके हैं, आप पूरा डर अपने दिमाग से, पूरी चिंताएं, जो भी सोच आपके दिमाग में चल रहा है, सब कुछ आप बाहर फेंक रहे हैं।
और अंदर में आप देखेंगे कि आप लाइट से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। और आप अंदर ही अंदर में बोलेंगे, मैं पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह खुश और पूरी तरह सकारात्मक हूँ। अब धीरे धीरे शवासन से बाहर आ जाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे से बैठ जाएंगे।